वर्ष का बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है आज के एक वीडियो में। आज हम इन्वर्जन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन्वर्जन जो प्रक्रिया होती है उसके तहत एक गुणसूत्र का खंड टूटकर उसी स्थान पर टूटे क्रम में उन्हें जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत जीन का क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया के तहत जो गुणसूत्री खंड टूटा हुआ है वो 180 डिग्री पर घूर्णन करके उन्हें उसी स्थान पर जोड़ दिया जाता है। ये हम ये प्रक्रिया एक बार समझते हैं। इस प्रकार से ये एक सामान्य गुणसूत्र है ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें इन्वर्जन प्रक्रिया हो रही है, ये एक लूप बनाएगा और यहाँ दो कट इसमें लगाए जाएंगे जिससे ये जो क्रम है ए बी ई डी सी एफ जी स्थापित हो जाएगा और ये इन्वर्टेड क्रोमोसोम्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है एक सामान्य गुणसूत्र। अब ये जो इन्वर्जन प्रक्रिया है उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसके तहत जो इन्वर्जन प्रक्रिया होती है वो जो सेंट्रोमेर के एक छोर पर पाई जाती है, एक साइड में पाई जाती है, इस क्रिया में सेंट्रोमेर भाग नहीं लेता है, ऐसी प्रक्रिया पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के रूप में पाई जाती है। इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें पहला है होमोब्रैंकियल प्रकार का पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसके तहत जो गुणसूत्र होता है इसमें दो क्रोमेटिड्स पाई जाती हैं, उसमें से केवल एक क्रोमेटिड्स इसमें भाग लेती है इन्वर्जन प्रक्रिया के अंदर, दूसरी जो क्रोमेटिड है वो समान रूप से पाई जाती है। जो दूसरा ब्रैंकियल प्रकार का इन्वर्जन है उसके तहत जो गुणसूत्र है उसके दोनों क्रोमेटिड्स इस इन्वर्जन क्रिया में भाग लेती हैं। ये तीसरे प्रकार का जो इन्वर्जन है उसमें क्रोमोसोमल प्रकार का इन्वर्जन कहते हैं, इसमें जो गुणसूत्रीय जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसका एक साथी एक मेंबर ही इन्वर्जन क्रिया में भाग लेता है, जबकि इस प्रक्रिया के तहत जो गुणसूत्र के जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसके दोनों साथी इस प्रक्रिया में भाग लें उसको एलेलोसोमल प्रकार का इन्वर्जन कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पैरासेंट्रिक इन्वर्जन प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। अब एक प्रक्रिया यहां देखते हैं इसमें जो गुणसूत्र का जो एक जोड़ा है एक समजात गुणसूत्र है उसमें से एक साथी इस प्रक्रिया में भाग ले रहा है, एक साथी समान रूप से पाया जाता है। तो ये एक जोड़ा है समजात गुणसूत्रों का, इसमें एक साथी है ए बी सी डी ई एफ, ये समान रूप से पाया जाता है और दूसरे साथी के अंदर जो इन्वर्जन क्रिया है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्रिया है वो पाई जाती है, जिसके तहत इसका जो रूपांतर है ए बी सी डी ई एफ के रूप में पाया जाता है। तो दो हमारे पास मेंबर्स हैं एक गुणसूत्र के, एक इन्वर्टेड रूप में है एक समान रूप में है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत पेयरिंग करते हैं और इसमें जो क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया होती है उसके तहत ये जो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। तो ये जो आपस में पेयरिंग करेंगे उसमें जो समजात जीन्स हैं वो एक दूसरे के सामने आते हैं, इस प्रक्रिया के तहत ये जो सामान्य गुणसूत्र है वो एक बकल के रूप में अपने को स्थापित करता है, इसमें बकल यहां उत्पन्न होता है ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से ये बकल हुआ बी सी डी के रूप में। ये जो इन्वर्टेड गुणसूत्र है इसका साथी वो एक क्रॉसिंग करके एक लूप बनाता है इसके पास से और फिर अपने को पेयरिंग के लिए शामिल करता है, इसमें ए डी सी बी ई एफ, इस प्रकार से ये जो साथी हैं जो समजात जीन्स हैं सबके सब एक दूसरे के सामने आ गए हैं इस पेयरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत। अब ये जो युग्मक निर्माण होगा जब मियोसिस क्रिया होती है उसमें चार प्रकार के युग्मक बनते हैं, ये जो पृथक्करण होता है इन जो समजात गुणसूत्रों का वो इस प्रकार से पाया जाएगा, एक
इसी प्रकार की गैमेट्स बनेगी, इसमें ए बी सी डी ई एफ क्रम है जींस का। दूसरा जो इन्वर्टेड गुणसूत्र था, ये कन्वर्टेड इन्वर्टेड गुणसूत्र की है वाली, ये भी इस प्रकार से पाई जाएगी ए बी सी डी ई एफ, जैसे यहां थी इसी प्रकार से भी सामान्य रूप से इन्वर्टेड जो गुणसूत्र है वो यहां उपस्थित पाया जाता है इस गैमेट्स के अंदर। और ये जो ये गैमेट्स है इसमें जो क्रम होगा ये ए बी सी बी ए, इस प्रकार से क्रॉसिंग काइमेटा फॉर्मेशन हुआ है और ये क्रॉसिंग हुआ है, तो ए बी सी डी ए इस प्रकार से यहां ये पाया जाता है ए बी सी डी ए, यहां ये बन जाता है। अब इसमें देखिए ये सेंटर में यहां है ए बी सी डी ए, तो ये दोनों सेंटर में एक ही गुणसूत्र में पहुंच जाते हैं, तो ये डायसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र बनता है इस प्रक्रिया के अंदर। और दूसरा जो गुणसूत्र बनेगा वो एफ ई डी सी ई एफ, एफ ई डी सी बी ई एफ के रूप में ये पाया जाता है, ये वाला एफ ई बी सी डी ई एफ, इसमें कोई भी सेंट्रोमियर यहां उपस्थित नहीं पाया जाता, ये एक्रोसेंट्रिक प्रकार का जो है गुणसूत्र उपस्थित हो जाता है। तो दोनों जो प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक डायसेंट्रिक गुणसूत्र है एक एसेंट्रिक गुणसूत्र पाया जाता है, दोनों सर्वाइव नहीं करते, दोनों खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब जिस जिन जो गुणसूत्र थे जिन्होंने इसमें भाग लिया क्रॉसिंग मोड में वो आगे जीवित नहीं रहते, वो केवल जीवित रहते हैं जिसने क्रॉसिंग मोड में भाग लिया है। इस प्रकार से जो क्रॉसिंग मोड का जो प्रभाव है वो आगे दिखाई नहीं देता है, जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं प्रोगोनी के अंदर। तो इस प्रकार से पैरासेंट्रिक जो इन्वर्जन है वो पाया जाता है। हम दूसरे प्रकार के इन्वर्जन की बात करते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, इसके अंतर्गत जो सेंट्रोमियर है ये भी इन्वर्जन क्रिया में भाग लेती है। अब देखिए इसमें जो सामान्य गुणसूत्र है ए बी सी डी ई एफ, ये इसके दो क्रोमेट ये है क्रोमेटिड्स है ए बी सी डी ई एफ, ये प्रकार से पाए जाएंगे डुप्लीकेटेड है, और इसमें है जो इन्वर्टेड पेरिसेंट्रिक इन्वर्टेड गुणसूत्र है ये ए बी सी बी ई एफ, इसमें सेंटर में यहां है, तो पहले ये था इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ, यहां दो थे यहां चार थे, अब ये तीन तीन हो गए हैं, ये बीच में सेंटर में यहां आ गया है, ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के प्रभाव से। अब ये जो पेरिंग होगी अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो पैकेटिंग जो प्रावस्था होती है उसके अंतर्गत, और जो क्रॉसिंग होता है काइमेटा फॉर्मेशन होता है उसके अंतर्गत इस प्रकार से एक सामान्य परिइन्वर्टेड गुणसूत्र इसमें भाग लेते हैं पेरिंग करने के लिए ए बी सी डी ई एफ, इसने एक बकल बनाया है, इसके जो दोनों जो साथी हैं इन्होंने बकल बना लिया है एक गुणसूत्र के, और दूसरे गुणसूत्र के जो साथी हैं उसने लूप के रूप में यहां अपने को व्यवस्थित कर लिया है, जिससे कि जो समझा जींस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ए के सामने ए का ए आ गया, बी के सामने बी आ गया, सी के नाम सी आ गया, डी के नाम सामने डी आ गया, ई के सामने ई, एफ के सामने एफ, इस प्रकार से जो समझा जींस है वो सबके सब एक दूसरे के सामने आ गए हैं पेयरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत। अभी काइमेटा फॉर्मेशन यहां हुआ है और इसके माध्यम से जो एक्सचेंज होगा क्रोमेटिड पार्ट्स का वो इस प्रकार से होगा, एक तो ए बी सी डी ए बी सी बी ए, ये इस प्रकार से यहां निकल जाएगा, और दूसरा जाएगा एफ ई सी डी ई एफ, तो ये तो इस प्रकार से है ए बी सी डी ई एफ, ये सामान्य रूप से पहले वाला है नॉर्मल है, ये जो इन्वर्टेड है वो है, इसमें कोई जो क्रॉसिंग मोड से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये दोनों बीच वाले हैं जिन्होंने क्रॉसिंग मोड भाग लिया है उसमें परिवर्तन होता है, एक बनता है ए बी सी डी ए, ये प्रकार से ए बी सी डी ए ये इधर से घूम के यहां आ जाता है, और दूसरा तो ये है वो घूम के इधर से निकल जाता है। तो यहां जो है इसमें दोनों में सेंट्रोमियर है, ये इसमें कोई भी डायसेंट्रिक या एसेंट्रिक गुणसूत्र का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन इसमें
एक प्रक्रिया हो गई है कि जो क्रोसिंग और क्रिया में भाग लेने वाले गुणसूत्र होते हैं उसमें से एक डिलीटेड टाइप का गुणसूत्र बन जाता है जिसमें कुछ जीन्स की कमी पाई जाती है और दूसरे वाला डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम्स है उस रूप में प्रकट होता है जिसमें कुछ जो जीन्स होते हैं उनकी प्रतिलिपियां बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से डुप्लीकेटेड और डिलीटेड प्रकार के ये दोनों ये गुणसूत्र यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि क्रोसिंग मोड में इन्होंने भाग लिया है। तो इस प्रकार से युग्मक का निर्माण पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के अंतर्गत पाया जाता है। हम बात करते हैं इसके महत्व की, जो इन्वर्जन प्रक्रिया होती है उसका महत्व क्या है। ये जो क्रोसिंग और प्रक्रिया है जिन क्रोमेटिड्स के मध्य होती है वो क्रोमेटिड्स आगे सवाल नहीं करती हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। तो ये इन्वर्जन जो प्रक्रिया है ये क्रोसिंग और प्रक्रिया को सम्मिलित कर देती है जिसके कारण जो सुपीरियर जीन्स होते हैं करेक्टर्स होते हैं जाति के अंदर वो बने रहते हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। दूसरा जो महत्व है इसका कि जो इन्वर्जन प्रक्रिया होती है ये प्रूफ एक सत्यापन करती है इसका क्रोसिंग और होने की, क्रोसिंग और का जो अस्तित्व है उसको प्रूफ करती है ये इन्वर्जन प्रक्रिया। और ये भी सपोर्ट करती है कि क्रोसिंग और में चार क्रोमेटिड में से केवल दो क्रोमेटिड ही भाग लेती है, ये भी इसके द्वारा सिद्ध किया जाता है। जो गुणसूत्र के चार क्रोमेटिड्स हैं 1, 2, 3, 4 इनमें से केवल दो क्रोमेटिड्स ही क्रोसिंग और में भाग लेती हैं, ये भी इसके द्वारा सिद्ध किया जाता है। इन्वर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत जो नई नई जातियां होती हैं उनका जो उत्पत्ति है वो पाई जाती है। और ये जो इन्वर्जन है ये गुणसूत्र की जो मोर्फोलॉजी होती है उसको भी परिवर्तित कर देती है, जो उनकी आकृति होती है उसमें परिवर्तन स्थापित कर देती है। ये जो पेरिसेंट्रिक प्रकार का इन्वर्जन होता है उसके अंतर्गत ये इस प्रकार का जो गुणसूत्र होता है आई शेप का गुणसूत्र वी प्रकार में रूपांतरित हो जाता है और वी प्रकार का गुणसूत्र आई प्रकार के गुणसूत्र में रूपांतरित हो जाता है। तो ये इस इन्वर्जन प्रक्रिया का महत्व है। तो हमने ये जो म्यूटेशन गुणसूत्रों में पाया जाता है उसकी बात आपने पूरी कर ली है। एक के अंदर जीन्स की संख्या में वृद्धि या कमी पाई जाती है और एक में जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।